अस्सलाम वालेकुम बच्चों जी, कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं जी? नज़में पढ़ रहे हैं। अरे हाँ, आप लोगों को तो बहुत सारी नज़में याद हो गई हैं, है ना? हमने चार आवाज़ों की नज़में याद कर ली हैं। कौन कौन सी आवाज़ें थी वो? ब की, प, त और ट की, यानी कि चार आवाज़ें आप लोगों ने सीख ली हैं और इनकी नज़में याद की हैं, है ना? अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपको चारों आवाज़ें याद हो गई हैं। तो आज मैं उसकी आपसे देखूं कि आपको कितनी आवाज़ें की पहचान हो गई है। करें एक्टिविटी? करें? हाँ, कोई बात नहीं, अगर कोई मसला होगा तो मैं आपकी मदद कर दूंगी, है ना? और हम मिलकर ये देख लेंगे कि हमने जो अभी तक चार आवाज़ें पढ़ी हैं वो हमें कितनी समझ में आ गई हैं, ठीक है? जब हम ये समझ लेंगे कि हाँ, हमें चारों आवाज़ें समझ में आ गई हैं, हमें याद हो गई हैं, हमें इनकी पहचान हो गई है, तो हम क्या करेंगे? फिर न्यू एक्टिविटी करेंगे और एक नई आवाज़ सीखेंगे, है ना? तो उसके बाद क्या करते हैं, आज हम एक काम करते हैं और उस काम में देखेंगे कि हमें इन आवाज़ों की पहचान हुई है या नहीं हुई है। तो क्या करें, पहले हम अपनी बुक खोलेंगे और बुक का सफ़ा नंबर 14। जी, हमारे पास सफ़ा नंबर 14 मौजूद है और उसमें हमारी वो चारों आवाज़ें मौजूद हैं, यानी कि ब, प, त और ट। हाँ, अच्छा, मुझे पहले ये बताइए कि जब हम किसी सफ़े पे एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं उसमें? जी, हम उसमें आइकन्स देखते हैं कि इस पेज पे, सफ़े पे कितने आइकन्स मौजूद हैं। तो देखिए, इसमें कितने आइकन्स मौजूद हैं? 1, 2, 3। इसमें, इस सफ़े पे 3 आइकन्स मौजूद हैं। अब ये आइकन कौन कौन से हैं? पहला आइकन कौन सा है हमारा, ज़रा देखें इसमें। जी, यानी कि ब की आधी शक्ल बनी हुई है और उस पर पेंसिल रखी है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये आइकन हमसे कह रहा है, पेंसिल फेरिए, पेंसिल फेरिए, पेंसिल फेरिए, यानी कि सबसे पहले हमने इस पेज पे पेंसिल फेरनी है। जी, सेकंड आइकन हमारा क्या है? ब की आधी शक्ल है, वो छोटी सी मासूम सी बिल्ली बैठी हुई है और पेंसिल से लाइन खींच रही है। इसका मतलब ये आइकन हमसे कह रहा है, मिलाइए, मिलाइए, यानी कि हमने यहाँ पे आवाज़ों को तस्वीर से मिलाना है। ठीक है, हम मिला लेंगे, वेरी गुड। तीसरा आइकन हमसे क्या कह रहा है? जी, ये मौजूद है मानो बिल्ली। ये बिल्ली साहिबा जब मौजूद होती हैं अपने साथ कलर लेके आती हैं, तो ये क्या कहती हैं? ये कहती हैं, रंग भरिए, रंग भरिए, रंग भरिए, यानी कि पहले हमने पेंसिल फेरनी है, फिर मिलाना है, उसके बाद रंग भरना है। इन सब काम करने से पहले हमें क्या करना होता है? जी, तारीख लिखनी होती है भाई, तारीख। हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे तारीख, ताकि हमें पता चले कि ये काम हमने कौन सी तारीख पे किया था। ठीक है, चले जी, अब हम क्या करते हैं, इन आवाज़ों को पढ़ते हैं और इनको मिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये है ब, 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 प, 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 त, 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 ट, ट, ट। अब इन तस्वीरों को देखते हैं, ये क्या है भाई? ये क्या है? तीर, 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 बत्तख, 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 टोकरी, 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 यस। और फिर है पंखा, पंखा, पंखा। जी, अब आप क्या करेंगे? पहले हमने क्या करना था, पेंसिल फेरनी थी, तो आप इन सब आवाज़ों पे पेंसिल फेर देंगे। लेकिन जब पेंसिल फेरते हैं तो हम क्या करते हैं, ताकि हम जल्दी से जो है सारी पेंसिल फेर लें, उसकी नज़म पढ़ते हैं। आप जो भी आवाज़ पढ़ेंगे ना, उसकी नज़म साथ साथ पढ़ेंगे, याद तो है आप लोगों को? नज़म पढ़ते जाएंगे और पेंसिल फेरते जाएंगे। ठीक है, दूसरी एक्टिविटी हमारी क्या थी कि हमने मिलाना था। अब हम इन तस्वीरों की शुरू की आवाज़ से इनको मिला देंगे, है ना? चले जी, देखते हैं। ये है तीर, 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 तीर की शुरू की आवाज़ क्या है? त, तीर, त, तीर। तो तीर को क्या मैं ब से मिलाऊं? तीर की शुरू की आवाज़ ब है? नहीं, तो हम तीर को ब से नहीं मिलाएंगे, वेरी गुड। इसके बाद हम देखेंगे तीर की शुरू की आवाज़ क्या प है? नहीं है,
तो हम इसको प से नहीं मिलाएंगे, ठीक है। क्या तीर की शुरू की आवाज़ त है? जी त है, तो हम तीर को त से मिला देंगे। वेरी गुड जी। और यहाँ पे इन्होंने ब को किससे मिलाया हुआ है? बत्तख से मिलाया हुआ है। किससे मिलाया है? बत्तख से मिलाया है। तो बत्तख की शुरू की आवाज़ क्या है? ब। बत्तख की शुरू की आवाज़ क्या है? ब। तो बत्तख को हमने ब से मिला दिया। वेरी नाइस, यानी कि हमने दो तस्वीरों की शुरू की आवाज़ पहचान ली है। अब हम देखते हैं कि ये प जो है हम किस तस्वीर के साथ मिलाएंगे। ये मौजूद है टोकरी। टोकरी की शुरू की आवाज़ क्या है? ट। टोकरी, ट। टोकरी है ना। तो क्या टोकरी को हम प से मिला दें? नहीं मिलाएंगे। प टोकरी नहीं, यानी कि टोकरी की शुरू की आवाज़ प तो नहीं है, टोकरी को मैं प से नहीं मिलाऊंगी। तो टोकरी की शुरू की आवाज़ है ट। ट टोकरी को मैं त से मिलाऊं? नहीं। टोकरी को मैं ट से मिलाऊं? जी ट। टोकरी, ट टोकरी, तो टोकरी को मैं ट से मिला दूंगी। वेरी गुड। अब हमारे पास मौजूद है पंखा। पंख की शुरू की आवाज़ है प। प पंख, प पंख, तो मैं पंख को प से मिला दूंगी। प पंखा जी। ब बत्तर, ब बत्तर, प पंखा, प पंखा, त तीर, त तीर, ट टोकरी, ट टोकरी जी, यानी कि हमने मिला दिया। हमें तो शुरू की आवाज़ की पहचान है। अरे वाह, हमें तो चारों आवाज़ों की पहचान है। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? अब हम रंग भरेंगे जी। रंग भरने के लिए हम क्या करते हैं? अपने कलर पेंसिल्स निकालिए, पेंसिल शॉप करें और इन सारी तस्वीरों में कलर भरें। ख्याल रखेंगे कि तस्वीरों से कलर बाहर नहीं जाएं। वेरी गुड। अब आपने क्या करना है? आपने ये करना है, ये वीडियो 3 से 4 दफ़ा देखनी है, बार बार देखनी है, ताकि आपको ये सारी आवाज़ें दोबारा से रिवाइज हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और जब आपकी टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप उनको बताइएगा कि आज हमने चारों आवाज़ें पढ़ ली हैं, और उसके बाद इस पिक्चर, इस काम की पिक्चर जो है आप अपनी टीचर को भेज देंगे, ठीक है। और कल हम नया काम करेंगे। थैंक यू।